फिरोजपुर झिरका विधानसभा से पूर्व विधायक और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक नसीम अहमद द्वारा आज महू गांव से चुनावी आगाज किया गया। महू गांव पहुंचने पर विधायक नसीम अहमद का जहां ढोल नगाड़ों डीजे फूल मालाओं इत्यादियों से स्वागत किया, वहीं दर्जनों गांव के सरपंचों ने पूर्व विधायक नसीम अहमद को 1.5 लाख रुपए की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिससे नसीम अहमद गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपने बड़े गाँव महू से चुनावी आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा मेवात में भरपूर विकास कराया गया। पूर्व विधायक नसीम अहमद ने कहा कि उन्होंने चुनाव ही हारा था लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी भाजपा पार्टी ने जो उन्हें मान सम्मान दिया, वही इलाके में विकास के लिए वो भाजपा पार्टी में गए थे और इलाके में भाजपा द्वारा व मुख्यमंत्री द्वारा इलाके का पिछड़ापन दूर करने की नीयत से भरपूर विकास कराया गया। पूर्व विधायक हरियाणा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद ने कहा कि भाजपा पार्टी द्वारा सबका समान विकास कराया गया, मेवात के साथ बिल्कुल भी दोगलापन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक ना होते हुए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी विधानसभा का संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा। उन्होंने अपने पिता पूर्व मंत्री चौधरी सकरुल्ला खान को याद करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री चौधरी सकरुल्ला खान के निर्देशन में सकरुल्ला खान के कार्यकाल में जितना फिरोजपुर झिरका विधानसभा का विकास हुआ है, अगर उनसे 10% भी उतना विकास हो गया तो वो अपने आप को कामयाब समझेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज दर्जनों गांव और महू की सरदारी द्वारा महू गाँव से चुनावी आगाज शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि विधायक नसीम अहमद जनता की दिलों में बसता है और आगे भी बसता रहेगा। पूर्व विधायक नसीम अहमद ने अपने संबोधन में कहा कि नसीम अहमद ने हमेशा साफ स्वच्छ राजनीति की है, बल्कि नसीम अहमद धरातल पर कार्य करने में विश्वास रखते हैं, ना कि हवाबाजी करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि एक नेता की वजह से संपूर्ण मेवात जल चुका था, ऐसे में नसीम अहमद ने बीच में आकर जहाँ मेवातियों को बचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि एक नेता के बेतुके भाषण की वजह से संपूर्ण मेवात में आग की चिंगारी जल उठी थी, जिसका खामियाजा बेकसूर लोगों को भी भुगतना पड़ा। ऐसे में जो बेकसूर थे उनको संपूर्ण तरीके से उन्होंने पैरवी की और मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को लाए। विधायक नसीम अहमद ने विपक्षियों पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि जब मेवात आग की चिंगारियों में जल रहा था, कुछ विपक्षी नेता मेवात छोड़कर ही जयपुर गुड़गांव वगैरह भाग गए थे, ऐसे में जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करें, चाहे मेवात के गरीब बच्चों को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी की बात करें, तो वो मनोहर लाल सरकार में साबित हो पाया। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नसीम अहमद ने स्टेज के माध्यम सभी भाइयों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर उनसे कोई किसी प्रकार की कोई गलतियां हुई तो उन्हें अपना बच्चा समझकर माफ कीजिए, आगे किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होंगी। उन्होंने आज चुनावी जेतखम्ब गाड़ दिया है, बड़े गाँव महू से चुनावी आगाज कर दिया है। विधायक नसीम अहमद ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों को विकास कराने की मर्जी से गए थे। उन्होंने भाजपा में रहते हुए एक विधायक के समान विकास भी कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात में विकास समान किया तथा सबका विकास समान विकास को लेकर कार्य किया। वहीं उन्होंने सभी जनता को संबोधित करते हुए तथा जनता से अपील करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, जिसका आगाज आज महू गांव से कर दिया गया है। हमारे महू गांव की सारी सरदारी, सारे मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इलाके से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, सभी पूर्व सरपंच साहब, सभी इलाके के जिम्मेदार और मौजूद हजरात, गांव के और इलाके के जो हमारे नौजवान साथी साकरस से बल्कि बोड़ी कोटी से ही जो है पैदल पैदल चल करके आए हैं, मेरे नौजवान साथियों को मैं खासकर सलाम पेश करता हूं। हमारे इलाके के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सम्मानित मंच, आज जो आप लोगों ने जिस तरीके से मान और सम्मान प्यार दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी चुनाव का तो भी कहने को तो एक साल रह रहा है, लगभग एक साल या 11 महीने जो भी रह रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों ने जिस उत्साह
और जिस जोश के साथ आज महू के इस प्रांगण में जो सम्मान और मान दिया है, उससे ये साबित हो गई है कि इंशाल्लाह चुनाव की आप लोगों की तैयारी पूरी पूरी है। कोई भी टक्कर में आ जाए, इंशाल्लाह आप लोग हटने वाले नहीं होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव की बयार चल रही है। अभी राजस्थान का चुनाव संपन्न होकर खत्म हुआ है और 3 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा। मैं साथियों एक बात कहता हूं, राजस्थान का इलेक्शन हो या चाहे हिंदुस्तान लेवल का लोकसभा का इलेक्शन हो और उसके बाद हमारे विधानसभा के इलेक्शन होंगे, जिस जोश और उत्साह के साथ आज आप लोगों ने जो ये जोश जगाया है, एक उम्मीद जगाई है और एक जज्बा जगाया है आप लोगों ने हर इंसान के अंदर, हर कार्यकर्ता के अंदर, मैं उसको सलाम करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय तक, जब तक इलेक्शन नहीं होगा, इसी जोश को डबल और तिगल और चौगुना कर करके आप लोग एक एक गांव में एक एक साथी के पास जा करके अपने चुनाव का बिगुल बजाएंगे और सब साथियों से अपील करेंगे कि आने वाले समय में आप लोगों का सहयोग दे, आपके बेटे को, आपके भाई को इस विधानसभा से जिता करके चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजने का काम करें। दोस्तों, आज मौका आया है बहुत, आप लोगों ने मुझे ये सही कह रहे थे भाई उमर कि आप लोगों ने खुद ये कहा कि भाई नसीम तू प्रोग्राम कर रहे हम तुम्हारा और हम तेरा स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे गांव का, मैं शुक्रगुजार हूँ सभी इलाके के लोगों का और खासकर मैं महू के बुजुर्गों का और नौजवानों का जो स्वयं आकर के, सही बात यह है कि कमी बेसियां कुछ हुई है हमसे भी और बहुत लंबी कमी तो ना बसी है कि कमी है भाई फोन ना उठाए, फोन भी लेकर हुए पड़ो आज की तारीख में से। अपर भाई मैं आप लोगों को विश्वास और यकीन दिलाता हूं ये फोन की भी कमी खत्म होगी और कमी है जो उन्हें भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। भाई झूठ और गप तो हम पे आवे ना है, नुक भैया कहा पहाड़ इतलू कर देंगे और वह पहाड़ इतलू कर देंगे, हम तो करने को यकीन करते हैं और करके दिखाया है। आप लोगों के सहयोग से जब हमने 2019 का इलेक्शन लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे हम प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई अकेलो ना गयो, सब भाई का मशवरा सु गयो भारतीय जनता पार्टी में गयो, और भारतीय जनता पार्टी में जा करके हमने विकास काम करवाए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस महू और तिगांव गांव के पहाड़ के ऊपर एक सबसे बड़ा पानी का प्रोजेक्ट बना है जिसमें हमारे फिरोजपुर झिरका के एक एक गांव के पीने का पानी की व्यवस्था करी है। ये फिरोजपुर झिरका ही ऐसा क्या लगाव था मुख्यमंत्री को, ये आपके बेटे और आपके भाई की बदौलत थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे फिरोजपुर झिरका गांव में पीने का पानी की व्यवस्था करो और उन्होंने करी। आज तिगांव और महू के पहाड़ के ऊपर जाकर के देखो 263 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक इतना बड़ा पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वे मुख्यमंत्री की देन है। हमारे एक्सप्रेस वे जा रहा है आप लोग और हम देखते हैं इस एक्सप्रेस वे की जितनी सहूलियत हमारे क्षेत्र के लिए, खासकर फिरोजपुर झिरका लोगों के लिए, किसी को भी इतना फायदा नहीं होगा। आज चाहे जयपुर और या अलवर हमें किसी मरीज को ले जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे हमें गुड़गांव जाना हो, हम 1 घंटे के अंदर अंदर कहीं भी पहुंच सकते हैं, फरीदाबाद जा सकते हैं। ये सहूलियत माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे लिए दी है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे फिरोजपुर झिरका में कॉलेज की कमी थी, मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिरोजपुर झिरका में कॉलेज नहीं है, नुहू में भी है, नगीना में भी है। एक फिरोजपुर झिरका विधानसभा के क्षेत्र के लोग जब नुहू और नगीना जाते हैं, खासकर कोड़गांव से और दोहा से, तो उन लोगों को काफी दिक्कत होती है, तो मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को मानते हुए फिरोजपुर झिरका में लड़कियों का कॉलेज खोलने का काम किया। फिरोजपुर झिरका में हमारे नगीना से जो है तिजारा के लिए रोड की मांग थी हमारी बहुत पुरानी मेवात क्षेत्र की, वो माननीय मुख्यमंत्री ने मंजूर कर दी और बहुत जल्द वो बन करके तैयार हो जाएगा। वो तो एक छोटी सी उसमें दिक्कत आती है कि उसका ठेकेदार बेईमानी के चक्कर में हमारी उस रोड को जल्दी काम नहीं कर रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए बहुत जल्द नगीना से तिजारा वाला रोड भी बन करके तैयार हो जाएगा। साथियों, हमारे मेवात के अंदर हमारे नौजवान बेरोजगार घूमते थे,
आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, इस बीजेपी की सरकार में गरीब आदमी का बच्चा रोजगार पा रहा है, एक गरीब आदमी का नौजवान को रोजगार मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? अगर बीजेपी के दिल में पक्ष और विपक्ष होता या भेदभाव होता तो मेवात का एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगता। कह देते भाई ये तो मेवाती है, इनको नौकरी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो एक और दूसरे पार्टियों के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं भाई मेवात तो भेदभाव करे। भेदभाव करा है तो पहली पार्टियों ने करा है, पहली सरकारों ने करा है। मनोहर लाल खट्टर ने तो मेवात के लिए विकास की झड़ियां खोल रखी है। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, मेरी कोई सीबीआई की इंक्वायरी ना चल रही है या मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेस ना करना है कि भाई मैं सरकार के साथ बैठा हूँ। मैं अगर बैठा हूँ तो मैं अपने भाइयों के लिए बैठा हूँ, मैं सरकार में अगर बैठा हूँ तो मैं अपने इलाके के लिए बैठा हूँ, ताकि हमारे इलाके में कुछ विकास कार्य हो जाए। साथियों, मरहूम चौधरी साहब, चौधरी शकरुल्ला, आप लोगों के बीच में हमेशा से एक ही बात कहते थे, भाई अपने क्षेत्र के लिए हम सब कुछ करेंगे। और हमारा भी वही मोटिव और वही मकसद है, हम भी फिरोजपुर जिले का विधानसभा के लोगों के लिए जो हमसे बन पड़ेगा वो कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे इंशाल्लाह। फिरोजपुर जिले की जनता के लिए हमारा खून पसीना एक है। साथियों, मरहूम चौधरी साहब की मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन रहता होगा जो यहाँ पे साथी बैठे हैं पुराने चौधरी साहब के, जो एक बार उनका जिक्र ना होता होगा। हमेशा किसी न किसी बात पर उनकी याददाश्त आती है और उनके काम थे। आज फिरोजपुर झिरका के अंदर चाहे अनाज मंडी हो वो चौधरी शकरुल्ला ने बनवाई, चाहे आईटीआई हो चौधरी शकरुल्ला ने बनवाई, चाहे मेवात मॉडल स्कूल हो वो चौधरी साहब ने बनवाया, चाहे अनाज मंडी हो, चाहे सब्जी मंडी हो वो चौधरी साहब ने बनवाई, शमसुद्दीन पार्क चौधरी साहब ने बनवाया, फिरोजपुर झिरका में हॉस्पिटल वो चौधरी साहब ने बनवाई, फिरोजपुर झिरका में हमारे कितने विकास कार्य चौधरी साहब ने करवाए, गिनने बैठे तो सुबह से शाम हो जाए। और मेवात के अंदर, फिरोजपुर झिरका के अंदर कितने नौजवानों को रोजगार दिया। हम भी उसी कड़ी में, उसी प्रयास में हैं कि हम भी उनकी लाइन को पीट सके और उनके बराबर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका काम बहुत बड़ा था, अगर हम उनके बराबर 10% भी कर देंगे तो हम आपको खुशनसीब और बहुत किस्मत वाले समझेंगे। उन्होंने तो बहुत विकास कार्य किए हैं, लेकिन हम भी इसी प्रयास में है कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए जाए। साथियों, आज जिस तरीके का जोश नौजवान साथियों में दिखा, कुछ दिन पहले बातें चलती थी नौवाड़ी फिरोजपुर में तो कुछ ना है, जाए कुछ ना देख रहा हूं ही ना के देख ले, फिरोजपुर झिरका में तो नसीम ही नसीम रहेगा इंशाल्लाह। और नसीम में कोई ताकत ना है, नसीम के अंदर अगर कोई ताकत है तो अपने भाई की ताकत है, अपनी बिरादरी की ताकत है, 36 बिरादरी की ताकत है मेरे अंदर, फिरोजपुर झिरका विधानसभा का एक एक गाँव की ताकत है। फिरोजपुर झिरका कोई खाला जी को घर ना है, हमारा बाप मेर, हमने खून पसीना करके इस फिरोजपुर झिरका की सेवा करी है। कोई भी इसको जो है जलाने का काम करेगा, फिरोजपुर झिरका की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके धक्के देगी। फिरोजपुर झिरका में हम बसते हैं, हमारे दिल में फिरोजपुर झिरका की विधानसभा बसती है। आज लोग मतलब के लिए और अपने लालच के लिए इस जलाने का काम कर रहे हैं मेवात क्षेत्र को, फिरोजपुर झिरका को। उन लोगों का क्या बिगड़ रहा है, वो तो भाग जाएंगे गुड़गांव और जयपुर और अजमेर, जड़ेगी तो जनता, मरेगी तो जनता, लेकिन जनता के साथ हम खड़े हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, आपका भाई, आपका बेटा, जब सारे नेता अपनी दुबक दे फिर रहे थे, कोई जयपुर में दुबक गया, कोई दिल्ली में दुबक गया, मैं आपका बेटा आपके बीच में खड़ा रहा और लोगों के लिए खड़ा रहा और लोगों से लड़ा सरकार से कि किसी के साथ नाजायज और गलत नहीं होना चाहिए। हमने काम करके दिखाया है, हम झूठी और फोकट की बात नहीं करते, हम करते हैं असल जमीन की, धरातल की बात। कितने नौजवानों के रोजगार छिन गए, कितने हमारे बच्चों को जो है ना जाए इधर उधर भटकना पड़ा। अरे जिसने करा है उसने तो भुगतता है, लेकिन आम आदमी को भी भुगतना पड़ा था। और इसका जिम्मेदार मैं तो एक आदमी को मानता हूँ जो अपने मतलब के लिए इस मेवात को चलाना चाहता था। साथियों, हमें ऐसे लोगों से बचना है और ऐसे जो मतलब परस्त और मौका परस्त लोग हैं, उन लोगों ने इस मेवात को जलाने का काम किया है, उनको हमें सबक सिखाना है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फिरोजपुर झिरका की जनता बहुत एडवांस है। कुछ यहाँ पर हमारे मेवात क्षेत्र के और राजस्थान के कुछ हमारे सोशल मीडिया पे बहुत लोग एक्टिव है, मैं उनको एक बात और बिखाड़ना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता ना जो बख जाएगी, ये फिरोजपुर झिरका की जनता है, इन फेसबुक वाला और सोशल मीडिया वाला भी अपने हिसाब से काम करियो, इन नहीं टिकंगा भी लट्टे कर कोई फालतू बकवास करेगा।
इन का एक फर्जी बात ना चल से और का ये करनो विरोध खुल्लो करे ऐलान दे करके करे कि हम यहाँ का विरोधी है। कोई घनो समाज से भी मत बने या क्षेत्र में आके नहीं, इस समाज से भी खुद जानता है इलाका और अपने इलाके की हम तरक्की और अच्छाई के बारे में हम सब जानते हैं। साथियों मैं ज्यादा ना कहते हूं, मैं एक बात और कहूंगा भाई, कमी बेसी हुई है हमसे और राजनीतिक तौर से अगर कोई अपनी कमियों को ना माने मैं तो उसको भी राजनेता नहीं मानता और मैं उसको भी इंसान नहीं मानता। भाई अगर मेरे से कोई गलती हुई है, 4.5 साल हो गए इलेक्शन को, हार गए थे इलेक्शन लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी और हिम्मत हमारी आप लोगों के साथ और आप लोगों के जज्बे के साथ जुड़ी हुई है। जब आप लोग जीतते हो तो हिम्मत हमारी 10 गुना बढ़ जाती है, ताकत हमें 10 गुना बढ़ जाती है। जब हम आज भी बोड़ी कोटी से चले थे तो अपना आप ऐसे जोश बन गया था कि जैसे पता नहीं अभी चुनाव का माहौल आ गया, लेकिन अभी चुनाव का तो बहुत टाइम है। लेकिन बड़े बूढ़े इनकी कहावत है कि जाने जैतखम पहले गाड़ दो, जीत तो वही की होनी है इंशाल्लाह। भाई आज आप लोगों ने जैतखम गाड़ दियो है तो इंशाल्लाह जीत भी त्यारी होगी, पर एक जीत ऐसे ना होगी, मेहनत करनी पड़ेगी सब साथी ने। मेरे लिए तो आप लोगों का मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूँ भाई, कोई कमी बेसी जो अब तक हुई है इंशाल्लाह अब ना होगी। हाथ जोड़ के सबसे माफी चाह रहा हूँ और भाई देख इंसान इंसान से गलती हुई है कोई भाई नू मत सोचो, मैं अगर त्यौहारे बीच में खड़ो तो त्यौहारी बदौलत खड़ो, कोई मैं कोई अपना कोई पर ना लग रहा है। मुंह में अगर ताकत है तो भाई की ताकत है। आज हमारी विधानसभा में चाहे हम ना बैठा हुए लेकिन त्यौहार भाई की इज्जत है पूरी, सरकार पूरी इज्जत कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दे रखा है कि जैसे हम जीते हुए विधायक। नौजवान साथियों से भी एक बात कहूंगा, कुछ अच्छा बुरा वक्त और दौर होता है, आप लोगों के साथ आपका भाई जी जान से तन मन धन से खड़ा है। आप लोगों को किसी चीज की घबराने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आप कहोगे इंशाल्लाह आपको पूरे विश्वास के साथ यकीन दिलाता हूँ आप लोगों के बीच आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और हक हलाल।